नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। सिविल वॉर चुनाव के लिए आज हुआ नामांकन। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित सिविल वॉर संघ के कार्यालय पर वकीलों के तीन गुटों ने 21 दिसंबर को होने वाले अध्यक्ष पद व महामंत्री पद के चुनाव के लिए नामांकन किया। वहीं सुगंध जैन ने अध्यक्ष पद के लिए व अजय पाल सिंह चौहान ने महामंत्री पद के लिए नामांकन पर्यवेक्षण के सामने किया। वहीं इसके अलावा भी तीन गुटों ने पर्यवेक्षण के सामने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। यह चुनाव 21 दिसंबर को होगा, जिसमें सिविल वॉर के सभी अधिवक्ता अपना अपना मतदान अपने पसंदीदा प्रत्याशी को करेंगे और उसके बाद 22 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षण विजय प्रत्याशी का नाम घोषित करेंगे। आज चुनाव का नामांकन करने के बाद चुनावों में अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी कन्वेंसिंग करनी शुरू कर दी है। नामांकन करने में सभी गुटों के भारी तादाद में वकील सिविल वॉर एसोसिएशन के कार्यालय में मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। जी सर, बताइए किस तरह के चुनाव है ये सिविल बार एसोसिएशन का वर्ष 2021 के लिए आज नामांकन कार्य करने के लिए हो रहा है और इसमें इस वर्ष तीन ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक तीनों ने कितने नामांकन किए? तीनों ग्रुप्स ने नामांकन अपना भर लिया, जिसमें श्री सुनील कुमार गर्ग और श्री विजेंद्र सिंह मलिक दूसरे ग्रुप से हैं, श्री सुगंध जैन और श्री अजय पाल सिंह चौहान, और तीसरा एक युवा ग्रुप आया है इस साल और उसमें उपाध्यक्ष के लिए मुकेश जौहरी हैं और महासचिव के लिए अभिनव अग्रवाल। सर क्या व्यवस्था है सर चुनावों को लेकर, जैसे कोविड-19 चल रहा है सर, तो उसमें किस तरह की उनका पूरी तरीके से उन सब चीज़ों का पालन किया जा रहा है और मतदान के दिन भी पालन किया जाएगा। सैनिटाइजेशन कब है और काउंटिंग कब? वोटिंग दिनांक 21 दिसंबर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। जी हाँ, परिणाम अगले दिन 22 तारीख में मतगणना होगी और शाम तक नतीजे आ जाएंगे। जी सर, आपका नाम? सुगंध जैन। सर, सिविल बार में नामांकन किया है, किस पद से? मैंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी अधिवक्ताओं का सम्मान हो, व्यावसायिक गरिमा बढ़े, कैंपस के अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो, अधिवक्ताओं की आय बढ़े, जो न्याय वादकारी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ताकि न्यायालय में जो कार्य दिवस हैं उनकी बढ़ोतरी हो, और हम ये चाहते हैं कि जो सुगम और सस्ता न्याय मिले और जल्दी न्याय मिले। सर मतदान कब है? मतदान 21 तारीख में है, प्रातः 8 बजे से सायंकाल 4 बजे। परिणाम कब घोषित? परिणाम 22 तारीख को मतगणना होगी 10 बजे से और शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना। किस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी सुरक्षा को लेकर, कोविड को लेकर? बस सुरक्षा के लिए कभी सिविल बार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जैसे कि कोविड चल रहा है, कोविड में तो जो था मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जो सैनिटाइजेशन है उसकी भी व्यवस्था रहेगी। उसके बाद युवा जो आए हैं नए रजिस्ट्रेशन होकर, उनके लिए क्या रहेगा? नहीं, हमारा संदेश तो ये है कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, अगर हमारा ग्रुप को मौका मिलता है तो हम युवाओं के लिए भी कार्य करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था करेंगे, युवाओं को जो भी सुविधाएं लाइब्रेरी की हैं और अन्य सुविधाएं हैं वे हम देंगे। युवा लोग आए हैं उनका भी हमारा स्वागत है, वो सभी हमारे भाई हैं, हर एक को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात समझाने का अधिकार है और उनके आने से हमें खुशी है कि उन्होंने भी एक राजनीति के अंदर अपना कदम बढ़ाया है और अपनी बात सबके सामने रखी है।